ये UTL versus Luminous कंपनी का हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने NXG Pro 1kVA और UTL Gamma Plus 1kVA के इन्वर्टर का कंपैरिजन की वीडियो बना दी है, वो आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UTL Heliac 1000 मॉडल और NXG 850 मॉडल के बारे में। दोनों में से कौन सा आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है, कौन से में क्या ज्यादा मिलता है, कौन से में क्या चीज कम मिलती है, कौन से में क्या फीचर ज्यादा है, कौन से में कम है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और यहाँ पर हमने UTL Heliac 1050 की अनबॉक्सिंग की और रिव्यू की वीडियो पहले बना रखी, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए इनका कंपैरिजन करते हैं और बताते हैं कौन सा आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं UTL Heliac 1050 मॉडल की। तो यहाँ पर जो इसका मॉडल नंबर है वो तो 1050 है, लेकिन जो इसकी लोड कैपेसिटी है वो 850 VA है, यानी कि 400-500 वोल्ट के करीब आप लोड बड़े ही आराम से इसके ऊपर चला सकते हैं। पैनल कैपेसिटी की बात करें तो 650 वोल्ट की सोलर पैनल कैपेसिटी मिलती है, तो 150 वोल्ट के चार पैनल आप इसके ऊपर बड़े ही आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। VOC रेंज की बात करें तो 25 वोल्ट की VOC रेंज मिलती है, तो यहाँ पर आपको 150 वोल्ट के ही पैनल लगाने पड़ेंगे सभी, क्योंकि ये PWM टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है और इसकी जो VOC रेंज है वो काफी कम है, तो आप 150 वोल्ट के सारे पैनल लगाकर अपना काम चला सकते हैं। सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है तो एक बैटरी से ही आपका काम चल जाएगा। और वारंटी की बात करें तो लगभग 2 साल की वारंटी इसके ऊपर मिलती है। प्योर साइन वेव आउटपुट का ये इन्वर्टर है और प्राइस की बात करें तो लगभग 6000 रुपए में बड़ी आसानी से मिल जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ NXG 850 मॉडल की बात करें तो यहाँ पर जो इसकी लोड कैपेसिटी है वो 500 VA है और पैनल कैपेसिटी 500 वोल्ट है और 2 साल की इसके ऊपर भी वारंटी मिलती है। प्योर साइन वेव आउटपुट का ये इन्वर्टर है और 500 वोल्ट की पैनल कैपेसिटी है और VOC रेंज भी इसकी वही 25 वोल्ट दी गई है। और प्राइस की बात करें तो ये भी 6000 रुपए में मिल जाता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो UTL Heliac 1050 मॉडल है उसके अंदर आपको ज्यादा लोड कैपेसिटी मिलती है, ज्यादा पैनल कैपेसिटी मिलती है सेम प्राइस रेंज के अंदर, लेकिन उसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा फीचर भी मिलता है जो कि डिस्प्ले का है। वहीं पर NXG 850 के अंदर डिस्प्ले नहीं दी गई, सभी LED इंडिकेटर दिए गए हैं जिसकी मदद से आप पता कर सकते हैं कि क्या अभी इसके अंदर चल रहा है, अभी चार्जिंग हो रही है या कोई एरर आया है, ओवरलोड हो गया, बैटरी लो गया, तो वो सभी इंडिकेटर से ही पता चलेगा। वहीं पर दूसरी तरफ UTL Heliac के अंदर आपको डिस्प्ले दी गई है प्रॉपर, उसके अंदर सभी जानकारी आती है और यहाँ पर इसके साथ में बटन भी दिए गए हैं जिसकी मदद से आप इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। कंप्लीट जो कस्टमाइजेशन है वो इन बटन की मदद से कर सकते हैं, इसकी डिटेल वीडियो भी हमने बना रखी है कि कैसे इन बटन का यूज करके आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्लस पॉइंट है वो सभी के सभी UTL Heliac की तरफ ही है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोड कैपेसिटी, पैनल कैपेसिटी, डिस्प्ले का भी फीचर मिलता है सेम प्राइस रेंज के अंदर। और यहाँ पर इन दोनों के अंदर एक सेम फीचर दिया गया है जो कि है पावर सेविंग का और बैटरी बैकअप को बढ़ाने का, जो कि UTL के अंदर मिलता है स्मार्ट मोड, PCU मोड और हाइब्रिड मोड, वहीं Luminous कंपनी के अंदर मिलता है सोलर, सोलर प्लस ग्रिड मोड, ग्रिड प्लस सोलर मोड। तो इन मोड का उपयोग करके आप बिजली के बिल को भी कम कर सकते, बैटरी बैकअप को भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी इनके अंदर कुछ फीचर दिए गए हैं जो कि वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं UTL Heliac सीरीज के इन्वर्टर के फीचर के बारे में। तो Heliac इन्वर्टर के फीचर की बात करें तो इसके अंदर काफी ज्यादा फीचर मिलते हैं जिसकी लिस्ट यहाँ पर आपको दी गई है। सबसे पहले बता दें कि इसके अंदर आपको इनबिल्ट PWM टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है जिसकी मदद से सीधे इन्वर्टर पर ही सोलर पैनल लगा सकते हैं। मल्टी कलर की LCD डिस्प्ले दी गई है, इसके अंदर कई अलग अलग कलर आते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि अभी इन्वर्टर के अंदर क्या फंक्शन चल रहा है। और ये इन्वर्टर 50 और 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के साथ में आता है और इसके अंदर आपको मल्टी स्टेज चार्जिंग भी मिलती है। और ये इन्वर्टर हमेशा सोलर को प्रायोरिटी देता है, चाहे लोड चल रहा हो या बैटरी चार्जिंग हो रही हो, मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन है वो सोलर का पहले होता है। और प्योर साइन वेव आउटपुट वाला इन्वर्टर है, प्रोटेक्शन भी इसके अंदर आपको काफी ज्यादा दी गई है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म इनकी लिखी हुई है। और साथ में मैं यहाँ पर आपको इनकी कंप्लीट फॉर्म भी दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा प्रोटेक्शन इसके अंदर मिलती है। ये इन्वर्टर जनरेटर के साथ में कंपेटेबल है, तो इसके ऊपर आप इनपुट सोर्स के जैसे जनरेटर को भी लगा सकते हैं। ये इन्वर्टर IT लोड को भी सपोर्ट करता है, तो कंप्यूटर जैसे, प्रिंटर जैसे अप्लायंस भी आप इसके ऊपर कनेक्ट करके अपना काम चला सकते हैं। और ये SMF जेल ट्यूबलर जैसी बैटरियों को भी सपोर्ट कर लेता है। तो ये कुछ फीचर है जो कि इसके अंदर आपको मिलते हैं। और जो सबसे बढ़िया फीचर है जो मैंने बताया है, जो तीन मोड दिए गए हैं वो है जिसकी मदद से बिजली के बिल को कम कर सकते हैं, बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हैं। वैसे तो NXG सीरीज के इन्वर्टर के अंदर काफी फीचर दिए गए हैं, लेकिन कुछ फीचर है जो कि कंपनी द्वारा ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, जैसे कि इंटेलिजेंट चार्ज शेयरिंग दिया गया है, यानी कि ये आपकी बैटरी को ग्रिड और सोलर की पावर को मिक्स करके भी चार्ज कर सकते हैं। और इसके अंदर तीन मोड दिए गए हैं जिससे कि आप बिजली के बिल को कम करने के साथ साथ बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हैं, जो कि है सोलर मोड, सोलर प्लस ग्रिड मोड, ग्रिड प्लस सोलर मोड। इसका सबसे अच्छा फीचर ये है कि अगर आपके घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आने के बजाय 90 वोल्ट भी आ जाती है तो भी ये आपकी बैटरी को काफी अच्छे से चार्ज कर सकता है। और ऐसा ज्यादातर रूरल
एरिया के अंदर होता है, क्योंकि वहां पर वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है और कभी कभी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 100 वोल्ट से भी नीचे चली जाती है। तो अगर आपके यहाँ पे 90 वोल्ट की सप्लाई भी आती है तो भी ये इन्वर्टर आपकी बैटरी को बड़े अच्छे से चार्ज कर सकता है। और इसके अंदर आपको मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मिलता है, जिसका मतलब है कि अगर 500 वीए का इन्वर्टर है तो 500 वोल्ट के ही पैनल लगा सकते हैं और कंप्लीट सीरीज के अंदर आपको यही फीचर देखने को मिलता है। तो ये कुछ फीचर है जो कि इस इन्वर्टर को खास बनाते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही इन्वर्टर का यूज आप अलग अलग लोड कैपेसिटी और पैनल कैपेसिटी के लिए कर सकते हैं। हालांकि जो पैनल कैपेसिटी है उसमें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो लोड कैपेसिटी है उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा ही डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आपको ज्यादा पैनल लगाने हैं, ज्यादा लोड चलाना है, देन आप जा सकते हैं यूटिल हेलिक की तरफ। अगर आपको लूमिनस ब्रांड आपको पसंद है, आपके एरिया के अंदर बड़े आसानी से इन्वर्टर मिल जाता है, इसकी सर्विस अच्छी है, देन आप लूमिनस कंपनी वाला भी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।